Good morning. Today we will deal with reaction mechanism in which we will discuss about free radical substitution reaction. आज हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक प्रतिस्थापी का दूसरे प्रतिस्थापी द्वारा विस्थापन. इफ displacement of one substituent by another is known as substitution reaction. Basically, substitution reaction is of three types: nucleophilic substitution reaction, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसे हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. नाउ व्हाट आर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर सब्स्टिट्यूटेड बाय फ्री रेडिकल इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वे अभिक्रियाएं जिसमें परमाणु या परमाणुओं का समूह मुक्त मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं. उदाहरण के तौर पर, जब मीथेन का क्लोरीनीकरण कराएं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें क्लोरोमीथेन और HCl बनेगा. तो मीथेन का क्लोरीनीकरण एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है. दैट इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन is an example of free radical substitution reaction. And this is a chain reaction. यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है. क्रियाविधि mechanism. Step one is the chain initiation step. चरण प्रथम, जो कि श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है. यहां पर क्लोरीन अणु का समांश विखंडन होता है, तो हमें दो क्लोरीन मुक्त मूलक बनते हैं. दैट इज व्हेन क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इट अंडरगोस होमोलिटिक क्लीवेज टू फॉर्म टू क्लोरीन फ्री रेडिकल. स्टेप टू, चरण द्वितीय, इसे हम श्रृंखला संचरण पथ कहते हैं, विच इज नोन एज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप. हियर द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद मीथेन टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल एंड HCl. दिस मिथाइल फ्री रेडिकल रिएक्ट विद क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल. स्टेप थ्री, चरण तृतीय, जिसे हम श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज चेन टर्मिनेटिंग स्टेप. इन दिस स्टेप टू फ्री रेडिकल कंबाइंस टू फॉर्म अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड चेन रिएक्शन स्टॉप्स. यहां देखिए, दो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके उदासीन अणु बनाएंगे और श्रृंखला अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी. उदाहरण के तौर पर, दो मिथाइल मुक्त मूलक क्रिया करके एथेन मॉलिक्यूल बना रहा है, दो क्लोरीन मुक्त मूलक मिलकर के क्लोरीन अणु बना रहा है, एक मैथिल मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक क्रिया करके मैथिल क्लोराइड बना रहा है. नाउ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन. एल्केन के हैलोजिनीकरण में हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम होगा, फ्लोरिनीकरण रैपिडली होता है क्लोरीनीकरण के संदर्भ में, और क्लोरीनीकरण इज मोर रैपिड रादर देन ब्रोमिनेशन. नाउ ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ एल्केन, दैट इज एल्केन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन. तृतीयक हाइड्रोजन अगर एल्केन में उपस्थित है तो वो आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा द्वितीयक हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. द्वितीयक हाइड्रोजन एटम आसानी से
प्रतिस्थापित हो जाएगा प्राथमिक हाइड्रोजन की तुलना में, और प्राथमिक हाइड्रोजन एटम आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा मेथेन के हाइड्रोजन की तुलना में। अन्य उदाहरण, अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ वोल-ज़िगलर रिएक्शन, वोल-ज़िगलर अभिक्रिया, जिसे हम एलेलिक ब्रोमिनीकरण भी कहते हैं। दैट इज व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एलाइल ब्रोमाइड। जब प्रोपीन एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ क्रिया करेगा CCl4 की उपस्थिति में तो एलाइल ब्रोमाइड बनेगा। यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्रियाविधि मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट, पद एक, मुक्त मूलक का बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एन कोवेलेंट बॉन्ड, किसी सहसंयोजक बंध के समांशन से मुक्त मूलक बनते हैं। उदाहरण के तौर पर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का जब हम होमोलिसिस कराएंगे तो NBr बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एटम पर और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पर आ जाएगा। तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड ऑन एक्सपोजर ऑफ यूवी लाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनामाइड फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। NBr का समांश विखंडन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर आ गया और यहां पर मुक्त मूलक बने। यह चेन इनिशिएशन स्टेप है। इट इज एन चेन इनिशिएशन स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। स्टेप टू, दिस इज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप, पद दो, इसे हम श्रृंखला संचरण पद कहते हैं। यहां पर एलिल मुक्त मूलक बनते हैं, that is allyl free radicals are formed. Succinamide free radical abstract hydrogen from third carbon of propene to form allyl free radical and succinamide. हम कह सकते हैं succinamide free radical propene के तीसरे hydrogen तीसरे carbon से hydrogen abstract करके succinamide बनाएगा और allyl free radical बनेगा। This step is chain propagating step. Now step 3, bromination, brominikaran, जो कि श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है। This is a chain termination step in which two free radical combines to form a neutral molecule. देखिए यहाँ पे bromine free radical है और allyl free radical है, दोनों आपस में क्रिया करके allyl bromide बनेंगे। यहाँ पर चेन रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, दैट इज चेन रिएक्शन समाप्त हो जाएगी, इसीलिए इसे हम श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ गोमबर्ग अभिक्रिया, गोमबर्ग रिएक्शन, दैट इज जब बेंजीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएं क्षार की उपस्थिति में तो हमें डाइफेनिल नाइट्रोजन और HCl बनता है। That is when benzene react with benzene diazonium chloride in presence of base leads to the formation of diphenyl nitrogen and HCl. This is an example of coupling reaction. यह युग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है। Mechanism, क्रियाविधि। Step 1, पहला पद chain initiation step, श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद, यहां पर मुक्त मूलक का बनना। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का होमोलिसिस कराएंगे तो NCl बॉन्ड टूटेगा और फिनाइल और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फिनाइल पर चले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चले जाएगा। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर, तो दैट इज we can say benzene diazonium chloride on homolysis leads to the formation of phenyl free radical, chlorine free radical and nitrogen. कह सकते हैं
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का समान विखंडन कराने पर फेनिल मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक और नाइट्रोजन बनेगा। ये पद श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद है जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं। द्वितीय पद दैट इज स्टेप टू, मुक्त मूलक का आक्रमण, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल बेंजीन रिंग पर अटैक करके एक संक्रमण अवस्था बनाता है और यह संक्रमण अवस्था अनुनाद के कारण स्थायी हो जाती है जो डाइफेनिल और हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनाएगी। दैट इज फिनाइल फ्री रेडिकल अटैक्स ऑन ए बेंजीन रिंग फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट एंड दिस ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस leads to the formation of biphenyl and hydrogen free radical. This is chain propagating step, shrankla sanchalan pad. Pad 3, jise hum shrankla samapt karne wala pad kehte hain. This is chain terminating step in which chlorine free radical and hydrogen free radical combines to form HCl. श्रृंखला समाप्त करने वाले पद में हाइड्रोजन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके HCl बनाएंगे और यह श्रृंखला समाप्त करने वाला पद कहलाता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। थैंक यू।